नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या चंद्र ग्रह अगर आपकी कुंडली के दर कारक है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो चंद्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में दर कारक है तो क्या हो सकता है? दर कारक ग्रह जैमिनी ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो दर कारक मतलब वो ग्रह जिसकी डिग्री सबसे कम है आपकी कुंडली में। तो आप देखिएगा, वो ग्रह जो है वो आपके दर कारक ग्रह होंगे। तो अगर चंद्रमा आपके दर कारक है तो फिर आपको किस तरह के फल देखने को मिलेंगे? तो एक तो ऐसा होगा कि आपके जीवन साथी जो हैं वो भावुक होंगे। चंद्रमा से हम जिन भी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हाँ, आपको चंद्रमा की स्थिति जो है आपकी कुंडली में कैसी है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा की स्थिति लगभग ठीक है या अच्छी है तो आपके जीवन साथी जो है वो भावुक होंगे, उनमें संवेदनशीलता होगी, चिंता शक्ति, कल्पना शक्ति उनमें बहुत अधिक होगी, अच्छी होगी। फिर स्मृति शक्ति के लिए बुद्ध का भी मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, चंद्रमा से भी हम देखते हैं स्मृति शक्ति को, और खासकर हम देखते हैं पूर्वाभास की शक्ति। पूर्वाभास की शक्ति को हम चंद्रमा से देख सकते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है, खासकर अगर चंद्रमा केतु के साथ है, तो पूर्वाभास की शक्ति ज़रूर हो सकती है। और प्रिय दर्शकों, अब आपको देखना चाहिए कि चंद्रमा जो है वो कौन से ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, या उन पर चंद्रमा पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो उससे भी आपको पता चल पाएगा कि जैसे चंद्रमा की स्थिति कैसी है, और उसी हिसाब से वो सारे लक्षण आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी में ज़रूर होंगे। अगर पुरुष जातक है तो उनकी स्त्री, और अगर स्त्री जातक है तो उनके पुरुष, मतलब उनके पति। तो जीवन साथी के कारक होते हैं, मतलब दर कारक ग्रह जो है वो जीवन साथी के कारक होते हैं, तो जिनसे आपका विवाह होता है तो उनके कारक होते हैं। तो अब देखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री पे चंद्रमा है तो आपके जीवन साथी में ये गुण आ सकते हैं। पूर्वाभास की शक्ति का होना, संवेदनशीलता उनमें होना, फिर भावनात्मक शक्ति, कलात्मक शक्ति, उनको संगीत से प्रेम हो सकता है, और जैसे कला और संगीत में उनकी रुचि हो सकती है, और फिर सृजनात्मक कोई शक्ति उनमें हो सकती है, कलात्मक शक्ति। और वो अपने घर से बहुत जुड़े होंगे, तो विवाह के बाद ज़रूर आपके साथ भी जुड़े होंगे, क्योंकि परिवार से जो उनका जुड़ाव होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर चंद्रमा आपके दर कारक है तो आपके जीवन साथी का जो घर के प्रति एक बहुत ही अलग लगाव होता है। और प्रिय दर्शकों, जीवन साथी जो आपके होंगे अगर चंद्रमा दर कारक है तो उनके माँ के साथ भी उनके जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं माँ के साथ। और उनके जो बचपन में उन्होंने माँ से जो भी सीखा था, जो भी नैतिक मूल्य माँ से प्राप्त किए थे, तो उसका जो बहुत बड़ा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पे ज़रूर पड़ा है। तो अब देखिएगा कि चंद्रमा अगर आपके दर कारक है तो इस तरह के फल आपको मिल सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि वो बहुत ही जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, क्योंकि चंद्रमा माँ के कारक होते हैं, तो वैसे आपके जीवन साथी भी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। एक माँ जैसे माँ के मन में ममता होती है, तो जीवन साथी भी वैसा ही होगा, उसके मन में दया, करुणा ऐसा ज़रूर होगा, और आपके प्रति भी उनके मन में बहुत, जैसे वो हमेशा आपकी केयर करेंगे, एक बहुत कदर करेंगे। तो चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है तो ऐसा होगा। तो चंद्रमा दर कारक अगर है तो ये अच्छा ही माना जाता है। लेकिन हाँ, एक बात है, ये है कि चंद्रमा हमें पता है कि चंचलता के भी कारक होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी का जो मन है
वो थोड़ा अस्थिर हो, ऐसा हो सकता है। मन में अस्थिरता, या जिसे अंग्रेजी में मूड स्विंग्स कहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको देखना चाहिए कि चंद्रमा कौन से ग्रह के साथ है। केतु के साथ है तो जीवन साथी को अकेलापन पसंद हो सकता है, और अपनी भावनाओं को प्रकट करने में थोड़ी सी परेशानी, खासकर 35 से 40 साल की उम्र तक, ऐसा हो सकता है। आध्यात्म की ओर झुकाव हो सकता है अगर केतु के साथ है, अकेलापन पसंद हो सकता है। और अगर राहु के साथ है तो जीवन साथी जो है वो अपने मन की भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्रकट कर पाएगा, और उसके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा, अभिलाषा होगी, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है तो वो मन की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को भी दर्शाता है चंद्र राहु की युति, तो ऐसा होगा। और अगर जीवन साथी में कोई ना कोई, मतलब वो कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, वो ऐसा हो सकता है कि वो हर बात खुल के ना बोलता हो, कुछ रहस्यमयी चीज़ें हो सकती हैं जीवन साथी के बारे में अगर चंद्र राहु है, क्योंकि राहु से हम रहस्यमयी चीज़ों को देखते हैं। अगर चंद्र केतु है तो भी केतु भी रहस्य के कारक माने जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अकेलेपन में रहना, और जैसे अकेलेपन में ऐसा अगर केतु की स्थिति अच्छी है तो वो कोई साधना, योग, ध्यान करेंगे, और जिसके बारे में सबको ज़्यादा बताना पसंद भी नहीं करेंगे, और आध्यात्म की ओर रुचि आगे चलकर। अगर केतु की भी स्थिति अच्छी है, आपको देखना चाहिए कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। चंद्रमा अगर राहु के साथ है तो राहु कौन से नक्षत्र में है, चंद्रमा केतु के साथ है तो केतु कौन से नक्षत्र में है, ये आपको देखना चाहिए। अगर गुरु के साथ चंद्रमा की युति है तो ये बहुत अच्छी होगी। तो जीवन साथी के मन में जो है एक जिज्ञासा हमेशा होगी, कि ज्ञान अर्जन करने की चाह होगी, किसी विषय को जानने की जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, आकांक्षा होगी। अगर गुरु के साथ युति है, या अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, खासकर पंचम, नवम, या कोई भी दृष्टि गुरु की पड़ रही है, प्रबल दृष्टि, तो भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो जातक का जो मन है वो हमेशा ऐसा हो सकता है कि धर्म के पथ पे, जातक हमेशा, जातक के जीवन साथी वो धर्म के पथ पे चलेंगे। और चंद्रमा मन का कारक है तो जातक का मन भी वैसा ही होगा, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे हम धर्म कारक की बात कर रहे हैं, तो जातक के जीवन साथी को धर्म कर्म के बातों में रुचि, या आस्था भगवान के प्रति, धार्मिक कार्यों में रुचि, या फिर अध्यात्म में भी अगर गुरु के साथ है तो भी हो सकता है। ज्ञान, उनमें ज्ञान तो होगा, अगर गुरु भी अच्छी स्थिति में है तो ज़रूर। तो प्रिय दर्शकों, आपको इस तरह से देखना चाहिए, चंद्रमा अगर दरकारक है तो चंद्रमा कौन सी राशि में है, वो जो राशि में चंद्रमा है उस राशि के स्वामी ग्रह किस तरह से बैठे हैं कुंडली में। अगर चंद्रमा मिथुन राशि में है तो मतलब बुध है चंद्रमा के जो जिस राशि में है, तो उस राशि के स्वामी ग्रह है बुध। तो बुध की स्थिति कैसी है, बुध क्या धर्म त्रिकोण भाव में है, 1, 5 या 9 भाव में है, या बुध की स्थिति अवस्था कैसी है, बुध कौन सी राशि में है, तो बुध में कितना बल है, ये भी। तो जातक अगर बुध की राशि में है तो ज़रूर जातक के जो जीवन साथी है वो मेधावी हो सकते हैं, अगर बुध की स्थिति अच्छी है। अगर मान लीजिए चंद्रमा मिथुन राशि में है और पुनर्वासु नक्षत्र में है, तो पुनर्वासु नक्षत्र के जो स्वामी है वो बृहस्पति देव है, तो ये तो अच्छी, एक अच्छा नक्षत्र है, और बृहस्पति की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है, तब तो इसका मतलब जातक के जीवन साथी वो ज्ञान, शिक्षा और ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे, तो धार्मिक होंगे, या हमेशा नैतिकता के पथ पे चलेंगे, तो ये अच्छी मानी जाएगी। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए प्रिय दर्शकों। और अगर चंद्रमा आपके दरकारक हैं तो आपके जीवन साथी की कुंडली में चंद्रमा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होंगे, अगर चंद्रमा आपके दरकारक हैं आपके जीवन साथी की कुंडली में, या तो चंद्रमा की जो अपनी राशि है कर्क राशि, वो उनके लग्न भाव में या प्रथम भाव में मौजूद हो सकती है, चंद्रमा उनकी कुंडली में लग्नेश हो सकते हैं, या फिर चंद्रमा जो है वो धर्म त्रिकोण भाव में स्थित हो सकते हैं, 1, 5 या 9 भाव में,
मतलब चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह उनकी कुंडली में ज़रूर होंगे। अगर चंद्रमा आपके दर कारक है तो जीवन साथी की कुंडली में आप देखिएगा चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और प्रिय दर्शकों, आप भी अगर चंद्रमा आपके दर कारक है तो आप भी चाहेंगे कि आपके जीवन साथी में ये सारे गुण हो। तो चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं। वृषभ राशि काल पुरुष के द्वितीय भाव से जुड़ा है। वृषभ द्वितीय भाव होता है परिवार का, तो जातक के जो जीवन साथी है उनको परिवार के लोगों के प्रति वो उनके मन में लगाव होगा। और द्वितीय भाव वाणी का होता है, मुख का होता है, तो जातक के जो जीवन साथी होंगे वो देखने में अच्छे होंगे, उनमें सुंदरता तो ज़रूर होगी, खासकर उनके चेहरे में एक बहुत ही आकर्षण ज़रूर हो सकता है। और फिर वाणी, अगर द्वितीय भाव भी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, द्वितीय भाव की स्थिति अच्छी है, तब ज़रूर उनकी वाणी भी अच्छी होगी, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो वृषभ राशि में उच्च के होते हैं तो हम देखते हैं, वृषभ राशि से हम जो भी देखते हैं वो सारी चीज़ें भी चंद्रमा के साथ जुड़े हैं। तो धन, इसलिए चंद्रमा से धन को भी देखते हैं। और चौथे भाव से चंद्रमा का संपर्क तो है ही, क्योंकि चौथे भाव के नैसर्गिक मालिक और नैसर्गिक कारक भी चंद्रमा है। तो धन, संपत्ति, संपदा के कारक होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपको धन संपत्ति मिल सकती है, आपके शादी के विवाह के पश्चात ऐसा हो सकता है, या फिर आपके जीवन साथी भी ज़रूर उनके मन में इच्छा होगी कि उनका अपना घर हो, अपनी संपत्ति हो, ऐसा भी, क्योंकि चंद्रमा चौथे और द्वितीय भाव से जुड़े हैं, जो धन संपत्ति से भी ये इन भावों का संबंध होता है। तो अब देखिएगा, और अगर चंद्रमा आपके दर कारक है तो आप भी उस तरह के जीवन साथी को ही पसंद करेंगे। आप भी चाहेंगे कि आपके जीवन साथी भावना में भावनाएं हो, वो मतलब वो इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। आप ज़रूर चाहेंगे कि उनमें संवेदनशीलता हो। आप चाहेंगे कि आपके जीवन साथी में दया हो, करुणा हो, जो आप ज़रूर चाहेंगे कि वो हमेशा आपका ख्याल रखें। आप भी इस तरह के जीवन साथी की ही कामना करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि अगर चंद्रमा आपके दर कारक है तो आपको किस तरह के फल देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।